फोर्ट का मिनिएचर वर्जन जैसा मैडम ने बताया है अब हम लोग देख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट मेहरानगढ़ फोर्ट्स। सो यूजुअली वी स्टार्ट आवर टूर फ्रॉम दिस प्लेस बिफोर वी एंटर्ड इनसाइड ऑलवेज वी ब्रीफ टू आवर गेस्ट सो दे कैन गेट एन आइडिया व्हाट वी गोइंग टू डू वेयर यू गोइंग टू सी व्हाट प्लेस व्हाट लोकेटेड। सो राइट नाउ आप लोग पार्किंग में उतरे एंड यू टेकन वॉक, यहाँ से पार्किंग से 5 मिनट का वॉक है और ये मेन गेट है जो आपने देखा था जयपाल। जयपाल से फिर अपन लोग क्रॉस करके सो वी आर स्टैंडिंग बिटवीन दीज टू वॉल्स जस्ट ओवर हियर, यू सी वेरी नैरो स्पेस ओवर हियर। ये एक दरवाज़ा है सॉरी गेट है जो इसके पीछे कनेक्टेड जयपाल से वॉल है और दूसरा वॉल ये वाला है और यहाँ से अपन पूरा वॉक करते हुए चलेंगे पूरा यहाँ पे चलेंगे। ये पूरा स्टीप ओरिजिनली रैंप है, यहाँ से रैंप लेके अपन पूरा इस पैलेसेस में जाएंगे और ये वो जगह है जहाँ पे सब रॉयल फैमिली के लोग रहते थे जो अपन लोग म्यूजियम में ले। 1972 में दिस इज ओपन फॉर द रॉयल फैमिली ने जोधपुर के पब्लिक के लिए ट्रस्ट में कन्वर्ट किया गया। सो वी ऑल गोइंग टू सी दीज पैलेसेस और ये सर जी रैम्पार्ट है फोर्ट का। ये वो जगह आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी वेडिंग्स वगैरह अरेंज कर ले रहे हाई टी वगैरह सोल्स होते हैं। सो दिस रैम्पार्ट यू हैव टू बुक थ्रू द ताज। सो जितने भी हमारे जोधपुर इज ऑल्सो काफ़ी बड़े शाही शादियों के लिए जाना जाता है जैसे मेघा चोपड़ा शी गॉट मैरिड इन जोधपुर, शी गॉट मैरिड इन जोधपुर, बेसिकली मैरिड इन वेडिंग हैपन एट उमेद भवन पैलेस। जो गेस्ट आते हैं उनके यहाँ पे डिनर्स एंड हाई टीज एंड पार्टीज प्री वेडिंग पार्टीज और पोस्ट वेडिंग पार्टी इस फोर्ट में भी यू कैन रेंट दिस प्लेस ऑल्सो फॉर इट्स अ वेन्यू आई मीन टू से। और ये ओरिजिनल इस फोर्ट का रैम्पार्ट्स है और ये हमारे राठौड़ वंश की चामुंडा देवी का मंदिर है जो हमारे फोर्ट में दो बड़े मंदिर है इष्ट देवी का और कुल देवी का। सो इष्ट देवी इज अवर चामुंडा देवी जो सबसे पुराना मंदिर है और कुल देवी का जो मंदिर है क्योंकि मारवाड़ के जितने भी रूलर थे ये सभी भगवान राम के अवतार सूर्य वंश से मानते हैं इसलिए आपने सुना का जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोलते हैं। सो दैट वाई डिसेंडेंट ऑल आर फ्रॉम राठौड़ डायनेस्टी। सो ये डायनेस्टी है ना इट्स कॉल्ड राठौड़ सो लास्ट नेम इज राठौड़। So the Rathods belong to the great solar rays of Rajputs claimed descent Lord Rama himself in India. So that's why it is called Surya Nagari. Or that's why this place is called Mehrangarh Fort. So Mehrangarh ka matlab hota hai Mehran and Garh. Here I'm talking two different words. Meher is basically the word of Suryavansi ki jo rehne ki jagah hoti hai usko Meher bola jata hai. And Garh means a fort. That's why it is called Mehrangarh Fort here. And Jodhpur was the second capital of Marwar. First capital was at Mandore as I told you in the beginning. And then 1459, Rao Jodha moved and this became a second capital of Marwar here. तो हमारा अभी जो मारवाड़ के इतिहास है ये कम से कम 750 से 800 साल पुराने इतिहास है और ओरिजिनली दिस डायनेस्टी वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम कन्नौज। ये लोग कन्नौज से आए थे विच इज राइट नाउ इज इन यूपी। राव सिया हु फर्स्ट केम टू मारवाड़ एंड देर आर डायरेक्ट डिसेंडेड 39 जनरेशन। अभी हमारे जोधपुर के महाराजा साहब गज सिंह जी साहब हैं जो इस मारवाड़ के प्रेजेंट किंग्स है और ही इज रेजिडेंट एट उमेद भवन पैलेस एंड ही इज अ डायरेक्ट लिनेजेस इन द फैमिली। ये जितने भी आप जोधपुर के बेस्ट मॉन्यूमेंट्स देखेंगे बिकॉज ऑफ महाराजा गज सिंह जी। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल ऑफ हिम बिकॉज ही डिड अ ग्रेट जॉब टू प्रमोट द टूरिज्म इन जोधपुर। और देन ये चीज़ म्यूजियम टूरिस्ट के लिए ओपन है, आप लोग म्यूजियम देख सकते हो। म्यूजियम के बाद में जोधपुर फोर्ट में और क्या कर सकते हो, इवनिंग यू कैन कम हियर एंड यू कैन हैव अ लवली रेस्टोरेंट हियर, इट्स कॉल्ड रूफ टॉप मेहरानगढ़ टेरेस रेस्टोरेंट हियर। सो वंस यू कम टू दिस इज अ ब्यूटीफुल टेरेस ओवर हियर जहाँ पे रेस्टोरेंट लगता है शाम को, गेस्ट कम एंड एंजॉय द व्यू ऑफ मेहरानगढ़ एज वेल एज द सिटी एंड ऑफ कोर्स यामी
राजस्थानी ऑथेंटिक फूड डिजाइन किया है। सो किले में मेहरानगढ़ विजिट करने के दो ऑप्शन है अपने पास में। एक तो पैदल वाला रास्ता है, जो आपके पास यदि ज़्यादा टाइम तो यू कैन गो, इट्स नॉट रियली हार्ड वर्क। दूसरा रास्ता इसके अंदर लिफ्ट है। सो लिफ्ट बनाया था हमारे प्रेजेंट महाराजा साहब ने 1995 के अंदर। सो एलिवेटर्स आपको मेन गेट्स पे अवेलेबल मिलेगा, जहाँ से आप लोग पूरा टॉप पे जा सकते हैं। सो वेयर आई एम पॉइंटिंग, दिस इज द एलिवेटर पार्ट ऑफ हियर। फ्रॉम दिस लेवल सो स्ट्रेट यू गो टू 40 मिनट्स, ये वाला टायर जहाँ पे एलिवेटर स्टॉप पे ले जाता है 40 मीटर। सो एलिवेटर इज लेंथ इज 120 फीट, अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर। और ये सर जी फोर्ट में आने के दो दरवाजे, आप लोग जयपुर से एंटर हुए थे जो बना था 1808 में, दिस अनदर एंट्रेंस इज कॉल्ड फतेहपॉल विच इज द लोकेटेड इन साइड ऑफ द ओल्ड सिटी। तो हमारा जोधपुर का ये ओल्ड जोधपुर है जिसको हम ब्रह्मपुरी बोलते हैं, ब्रह्मपुरी जहाँ पे आज भी मेजोरिटी ऑफ ब्राह्मण लिव्स ऑफ इंडिया। तो ये ओरिजिनली दिस वॉज अ मेन एंट्रेंस टू कम इन द फोर्ट। ये ओरिजिनली किले के आने का रास्ता यही हुआ करता था। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, इसको बोलते हैं चौकिला पार्क। ये वो जगह है जहाँ पर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द समर टाइम ऑल द रॉयल लेडीज महारानी स्पेंडिंग सम टाइम अराउंड द गार्डन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली दिस प्लेस हैज बीन रेस्टोर्ड और इस जगह से एक ग्रेट एडवेंचर होता है जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। So be guests, they can enjoy it. There are the 6 lines. It have a great panorama view of Mehrangarh Fort. And out of 6 lines, 2 or 3 lines are going over blue houses and couple of lines going over a lake in India. So it is the most amazing and I highly recommend once guests come, they should enjoy great flying fox in Jodhpur. So ye hamara Mehrangarh Fort ka miniatures model. Let's go and explore now reality.